नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। और आप देख रहे हैं एपीएन पर यह खास कार्यक्रम। एक घंटे में हम समेटने की कोशिश करेंगे देश भर की आज तमाम हलचलों को, और आपके साथ मैं हूं राजश्री। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर में क्या कुछ है ये पहले आपको बताऊं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। तो वहीं चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और आप में घमासान भी छिड़ गया है। बताएंगे, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री और आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय मंसूबों पर कैसे फेरा है पानी, और बीजेपी के मनोज तिवारी कैसे रहे सब पर भारी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनते ही काफी उम्मीद कर रही थी बीजेपी भी मनोज तिवारी से, और आज कैसे वो हर कसौटी पर खरे उतरे हैं इसकी हम बात करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने अपने पद से क्यों दिया है इस्तीफा और क्यों कहा है कि एक साल तक तो किसी भी पद को नहीं लूंगा। साथ ही आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में कि कैसे लगातार मिल रही जीत से बढ़ रही है बीजेपी, और खास तौर पर पीएम मोदी की जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को भी तोलने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आपको कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ कौन सी नई रणनीति बनाई है और ये रणनीति कितनी कारगर हो सकती है। एआईएडीएमके नेता और शशिकला के भतीजे दिनाकरन की कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं इसका भी जिक्र आपके सामने रखेंगे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधने की कौन सी नई कोशिश की है ये भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी हम गहरी चर्चा करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे भारत के बेटे कुलभूषण जाधव का हाल। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए उनकी मां ने पाकिस्तानी कोर्ट में दायर की है अपील। और इसके अलावा हम बताएंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्यों खुश हैं आजकल और कैसी ऐतिहासिक उछाल इसमें दर्ज की गई है ये भी दिखाएंगे आपको कि अमेरिका ने उत्तरी कोरिया के किसी हमले का जवाब देने के लिए क्या कुछ तैयारी की है, और अमेरिका के इस तैयारी से पूरे विश्व में कौन से ध्रुव नए उभर रहे हैं और इस पर चीन और रूस क्या कुछ सोच रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा हमारे इस खास शो में। बात इतिहास की भी होगी और बात खूबसूरत संगीत के दाता शंकर जयकिशन जोड़ी के शंकर साहब के भी होगी, और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री अभिनेत्रियों में शामिल मौसमी चटर्जी की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो देश की बात के इस सफर की बात शुरू करते हैं एक जीत की खबर से। ये जीत हालांकि बीजेपी को मिली है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। यहाँ एक बार फिर से मनोज तिवारी सब पर भारी साबित हुए हैं। बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला चुकी है, और दिल्ली की जनता के सर पर ये जादू एक बार फिर से चढ़कर बोला है। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ एमसीडी में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए इस रात की सुबह नहीं जैसे साबित हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में इतना करारा झटका लगा है कि आने वाले दिनों में उसे सोचना पड़ेगा कि उसका भविष्य किधर है और उसका भूत क्या था। बीजेपी पूरी तरह से दिल्ली के दिल में उतर गई और खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल को आम लोगों ने किनारे लगा दिया। 70 में से 66 सीटों के साथ दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। एमसीडी के तीनों निकायों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। प्रदेश में जो भी चुनी हुई सरकार है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो दिल्ली की समस्याओं को दूर करने में एमसीडी के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोगी रवैया अपनाते हुए कार्य करें। जो एमसीडी के फंड्स हैं,
उसको रिलीज करें, क्योंकि उससे उसी जनता का काम होना है जिस जनता ने उनको 70 से 67 सीटें दी है। पहली बार दिल्ली एमसीडी चुनाव लड़ने वाली आप दूसरे स्थान पर रही, जबकि सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। ईवीएम पे शक बहुत गहरा है, आप कुछ भी यूज कर लो, आप लहर को माननीय मोदी जी को इंसल्ट क्यों करना चाहते हो? आप लहर से जीतेंगे, माननीय मोदी जी के नाम से जीतेंगे, तो ईवीएम वो यूज करो जो कि टेम्पर प्रूफ है। हार के बाद आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 10 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी की हैट्रिक से विपक्ष हैरान परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि 10 साल के भ्रष्टाचार और मनमाने रवैये के बाद भी बीजेपी की जीत चौंकाने वाली है। इन सब के बीच पीएम मोदी ने बीजेपी पर भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली के लोगों का आभार जताया। सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। उधर चुनावी नतीजों से गदगद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए केजरीवाल पर कटाक्ष भी किया और आपके आज के हालात पर एक तरह के व्यंग भी किया। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि अगर ईवीएम के कारण चुनाव में उनकी हार होती है तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के जरिए मनोज तिवारी ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग से बुखार उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। और एमसीडी चुनाव में मिली भारी जीत के लिए बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जनता को शुक्रिया अदा किया और बीजेपी भी इस जीत का पूरा श्रेय मनोज तिवारी को देती है। उन्होंने कहा, हालांकि एमसीडी दिल्ली को साफ सुथरा रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और दिल्ली को पीएम मोदी के सपनों के दिल्ली बनाने का प्रयास होगा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एपीएन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, इतनी बड़ी जीत हुई है, किसे श्रेय देना चाहते हैं और आप मानते हैं कि बड़ी जीत के साथ अब बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है बीजेपी को? दिल्ली ने अपनी गलती सुधार कर ली है जो 2.25 साल पहले करी थी, और दिल्ली इतनी पीड़ा में है कि जिस व्यक्ति को दिल्ली ने मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया उसको गलियों में ईंट से ईंट सजाना था, अब वो कहता है हम ईंट से ईंट बजाएंगे जी। बड़ी विचित्र स्थिति है। उसको डेंगू चिकनगुनिया से दिल्ली को बचाना था, वो धमकी दे रहे हैं हम डेंगू चिकनगुनिया करा देंगे। तो इस तरह की निगेटिव बातें करके जो व्यक्ति आज दिल्ली पे रूल कर रहा है वो पूरा मोरल अधिकार खो चुका है। विपक्ष में भी दो आवाजें उठने लगी हैं, एक वो जो पुराना राग अलाप रहे हैं ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला, एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष में उनकी ही पार्टी में जो उनके ही नेतृत्व पे और उनकी सोच पर सवाल उठाने लगे हैं। जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास करता होगा, जनता के मत का सम्मान करता होगा, वो व्यक्ति आज अरविंद केजरीवाल को कोस रहा है, चाहे उसके पार्टी के विधायक ही क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी ना, वो एक कहते हैं गांव की भाषा में, नंगई पे उतारू है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? आपने पहले भी कहा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रचार खत्म हुआ, रिजल्ट आया, एक बार फिर आपने कहा कि अब गलियों में फिर से उतरा जाएगा, अब समस्याओं को खत्म करने के लिए उतरा जाएगा। हाँ, मेरा प्रचार खत्म नहीं हुआ, मेरा प्रचार खत्म हुआ है, लेकिन जो प्रचार मुझे करना है कि कूड़ा सही जगह डालिए, कूड़ा, कई हमारे लोगों से गलतियां होती हैं कूड़ा डालने की, जो जमीन पे फेंक देते हैं, सामाजिक संस्थाओं से कहेंगे कुछ कूड़ेदान जगह जगह पे लगाएं। स्वच्छता के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वच्छता को कुछ लोगों की जिम्मेदारी न समझा जाए, डिपार्टमेंट करेगा लेकिन हम स्वच्छता अभियान को अपने खुद से जन जागरण के रूप में ले। और जिस तरह से मनोज तिवारी ने यह स्पष्ट किया कि अभी काम
शुरू हुआ है, काम जीत में परिवर्तित होकर खत्म नहीं हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जब से एमसीडी चुनाव का दौर शुरू था तब से ही हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यदि कोई पार्टी एक्टिव थी तो वो पार्टी बीजेपी ही थी। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस हो या आप, तमाम दलों के बड़े नेता बीजेपी का दामन थामना चाह रहे थे। और इसके लिए, ऐसी स्थिति को पैदा करने के लिए, जाहिर सी बात है कि इसका श्रेय मनोज तिवारी को ज़्यादा जाता है और ये बीजेपी की आला कमान भी समझती है। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार के तहत आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विभिन्न चुनाव में लगातार मिल रही जीत की और इस जीत के बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों की। हम आपको आज यही बताएंगे कि कैसे जीत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अगर जनता ने मोदी और उनकी नीतियों में विश्वास जताया है तो प्रधानमंत्री का भी अब दायित्व कहीं ज़्यादा बनने लगा है। वो जनता की उम्मीदों पर ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरें, ये दबाव अब उन पर रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी में जननायक बनने की पूरी क्षमता है। अमित शाह की रणनीति भी इतनी मजबूत है कि जैसे जैसे वो तमाम चुनावों की रणनीति बना रहे हैं, हर राज्य के तमाम बड़े नेताओं का भी ख्याल रखते हैं और उस राज्य की समस्याओं का भी ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि उस रणनीति में कहीं ना कहीं उस राज्य के उन चीज़ों की झलक भी देखने को, दिखाने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी आती है प्रधानमंत्री मोदी पर। तो आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में सुनिए सरकार में देखिए प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां। दिल्ली, बिहार और पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर दिल्ली नगर निगम चुनाव तक बीजेपी की लगातार कामयाबी को हम देख सकते हैं। यूपी उत्तराखंड में पीएम मोदी के प्रचार का असर रहा तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उनके नाम के पोस्टर और मनोज तिवारी की मेहनत बहुत काम आई। पीएम मोदी के नाम पर जितना बड़ा जनादेश मिल रहा है, बीजेपी के लिए चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं। खासकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि यदि आज के स्थिति की बात करें तो देश में चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के परिणाम के लिए हर जनता, हर चेहरा प्रधानमंत्री मोदी की ओर ही देखती है और ये मानकर चलती है, इस विश्वास पर चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो इन तमाम समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस पर, इस विश्वास को और बढ़ाना प्रधानमंत्री मोदी की ही जिम्मेदारी है और अपनी छवि को एक प्रधानमंत्री, एक नेता, एक पार्टी के नेता, एक देश के नेता से कहीं ज़्यादा एक जननायक के रूप में बनाए रखना, ये भी अब प्रधानमंत्री मोदी की ही जिम्मेदारी है। और कौन सी जिम्मेदारी हैं और कौन सी चुनौतियां हैं और उनका सामना करने के लिए कौन से रोड़े हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक तिवारी सब पर भारी, एमसीडी चुनाव में जीत का सहरा मनोज तिवारी के सिर बंधा है तो जिम्मेदारियां पीएम मोदी के सिर गई हैं। हर चुनाव मोदी के कामकाज पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है तो ये सभी चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़े भी जा रहे हैं। इससे मतदाताओं की उम्मीदें भी सीधे पीएम से जुड़ गई हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम में बीजेपी की जीत से पार्टी पर राजधानी की पानी, बिजली, सफाई, अस्पतालों, स्कूलों, जनसुविधाओं, पार्कों और सड़कों के रखरखाव तक अब बीजेपी के जरिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। एमसीडी की जड़ों तक में घुस चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिम्मा भी अब बीजेपी सरकार का ही है। एमसीडी कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों और डॉक्टरों का बकाया वेतन समेत कई मांगों को लेकर चल रही हड़ताल पहली सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी नेता ये बात समझ भी रहे हैं। ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना और किसान कर्ज माफी के बीजेपी के वादे को गेम चेंजर बताया गया था। वैसे इस कर्ज माफी से राजकीय कोष पर 36,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। यूपी में चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से भी मदद की जरूरत होगी। यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में हिंदू कट्टरपंथियों के प्रदर्शन और हमले भी गलत संदेश दे रहे हैं। ये संदेश सबका साथ सबका विकास के मोदी सरकार के आदर्श के खिलाफ जा रहा है।
वहीं यूपी सरकार की गलतियों और खामियों का खामियाजा बीजेपी और साफ कहे तो पीएम मोदी को भुगतना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को पाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में जहां पार्टी ने बहुमत जुटाकर सरकारें बनाई हैं, वहां भी टूट फूट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह सरकार बनाने से बीजेपी को चक्रवर्ती पार्टी बनने का श्रेय तो मिल रहा है, लेकिन इस कदम को नैतिक नहीं माना जा रहा है। इस साल गुजरात और हिमाचल और अगले साल एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की कर्ज माफी ने इन राज्यों के किसानों की उम्मीदें भी बढ़ा दी है। वहीं अगर केंद्र सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारें इन चुनौतियों पर खरी नहीं उतरती तो इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। भूलना न होगा कि मोदी सरकार के 3 बरस पूरे हो चुके हैं। रोजगार पैदा करने, महंगाई नियंत्रित करने और निवेश लाने के लक्ष्य को अगले चुनाव से पहले प्राप्त करना जरूरी है। वहीं विपक्ष भी कमर कस रहा है, जब कोई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे में जांच, मुकदमे और घोषणाओं का दौर खत्म हो चुका है, अब जनता काम मांगती है। अरविंद केजरीवाल की मिसाल सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एमसीटी में हार के बाद कांग्रेस और आप में रार शुरू हो गई है। हार के कारणों की जांच से पहले आपस में झगड़ा शुरू होगा। शीला दीक्षित और पीसी चाको जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हार पर सवाल उठाए तो अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। कमोबेश यही हाल आम आदमी पार्टी का भी रहा। यहां हार के लिए ईवीएम को दोषी तो ठहराया गया, लेकिन केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आत्ममंथन करने की बात कही। अपने विधानसभा क्षेत्र की सभी सीटें गंवाने के बाद आप विधायक अलका लांबा ने इस्तीफे की पेशकश की। एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए निराशाजनक रहे तो जनता ने कांग्रेस के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। आप और कांग्रेस में से कोई भी दल 50 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। इस हार के बाद दोनों ही पार्टियों में रार शुरू हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन चुनाव में उनकी भूमिका पर पार्टी के अंदर से ही आवाज उठी। पूर्व सीएम शीला दीक्षित और सीनियर नेता पीसी चाको ने माकन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन हम भी तीन दफा जीते थे, तब एंटी इनकम्बेंसी तीसरी दफा नहीं चली थी। फिर एक बात जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। प्रचार मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, तो अपने आप से निकल नहीं सकती थी। आपको बुलाया नहीं गया? ना, मेरे को नहीं गया। वी हैव टू एडमिट आवर फेलियर, बट Ajay Makan's style of functioning was not the sole reason for the failure, according to me. But I do not want to enter into any argument or controversy with anybody. Might be there are other leaders who can do better, and the High Command will take an appropriate. हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन को क्लीन चिट दी है, लेकिन पार्टी ने कहा है कि एमसीडी की हार पर मंथन होगा। कलह सिर्फ कांग्रेस में नहीं मची, खराब प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी में भी बवाल मचा। केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि चुनाव नतीजों की जिम्मेदारी केवल ईवीएम पर नहीं डाली जा सकती। स्थिति चिंताजनक है और पार्टी को इस बारे में सोचने की जरूरत है। दिल्ली में बीजेपी की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है, और ये जरूर अब समय है कि हम सोचें। 2 साल पहले के प्रचंड बहुमत के बाद आज अगर इस प्रकार का नतीजा आया है तो हमें भी सोचना होगा, और एक बार जनता से जाके पूछेंगे भी कि क्या कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है। आप विधायक अलका लांबा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तीनों वार्डों में पार्टी की हार के बाद सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश की है। दरअसल एमसीडी चुनाव के नतीजे कांग्रेस और आपके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोनों ही दलों का प्रदर्शन उम्मीद से कमतर रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पंजाब और गोवा के बाद दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे, और क्या वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी पर कांग्रेस किसी की जिम्मेदारी तय करेगी। योगेश सोमकुवर, एपीएन, दिल्ली। और आपके इस हार पर अन्ना हजारे ने कहा है कि केजरीवाल अपना पथ भटक चुके हैं। ये वही अन्ना हजारे हैं जो
अरविंद केजरीवाल के साथ शाना बशाना हमेशा साथ रहे और हर उनके आंदोलन में एक तरह से चेहरा अन्ना हजारे का था। बाद में अन्ना हजारे को छोड़ अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ गए, लेकिन आज अन्ना हजारे जो कि अरविंद केजरीवाल के गुरु भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं और वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन आप जाहिर सी बात है कि इस हार को आसानी से पचा कहाँ पा रही है, और वही हाल कुछ कांग्रेस का भी है। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा किसी न किसी के सर तो फोड़ना ही था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इसके लिए ईवीएम को चुन लिया है। पिछले कुछ वक्त से वैसे भी ईवीएम को लेकर कई विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार बताने की रणनीति अपना ली है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, कहा कि बिना गड़बड़ी के बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिलनी मुश्किल है। वहीं आपके आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। दरअसल ईवीएम की गड़बड़ी का राग आप परिणामों के पहले ही अलापने लगी थी। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव के नतीजों का एहसास पहले से ही था। सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक में तय हुआ कि हार को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे नेता मौजूद थे। एमसीडी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने ईवीएम बम फोड़ने में देर नहीं की। हालांकि केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे इस बात से असहमत दिखे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर किसी को संदेह है तो हमारे सामने आए और जो संदेह है वो हमारे सामने बताइए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को कहना था कि हम आकर बताते हैं क्या दोष है, अभी बाद में बोलना क्या है, वो ठीक नहीं है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आपने एमसीडी में मिली हार को ईवीएम में छेड़छाड़ का नतीजा बताया तो सांसद भगवंत मान ने केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव नतीजों के बाद पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। बीजेपी ने भी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को जनता के फैसले का अपमान बताया। इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए। लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ, जनता की ईंट से ईंट बजाओगे? हार के बाद ईवीएम पर आरोप लगाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने भी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस चुनाव ने कई दलों के लिए आत्ममंथन का एक रास्ता जरूर खोल दिया है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली भारी शिकस्त ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जमीन से हिला दिया है। यूपीए सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के सहारे एक राजनीतिक पार्टी बनाकर देश के प्रधानमंत्री पद तक का पहुंचने का सपना केजरीवाल देख रहे थे और अब वो सपना पूरी तरह से बिखर गया है। इसके साथ ही जनता की उनसे जुड़ी उम्मीदें और बदलाव की चाहत का ख्वाब भी टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, कहां गड़बड़ी रही, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि अरविंद केजरीवाल जो कभी राजनीति के चढ़ते हुए सितारे थे वो कैसे ढलता हुआ एक या टूटा हुआ सितारा बनकर रह गए हैं। मफलर, चश्मा, कुर्ते के बजाय शर्ट पैंट, आरटीआई एक्टिविस्ट, आम फहम जुबान बोलने वाला अड़ियल मिडिल क्लास या छवि अरविंद केजरीवाल की पहचान बनी। उनकी शैली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी नाम भी लोगों को लुभाता रहा। देखते देखते केजरीवाल ब्रांड हो गए और ब्रांड को खड़ा करने वाले पार्टी से बाहर हो गए। केजरीवाल जैसे जैसे सत्ता के शिखर पर पहुंचे दुकेले होते चले गए। शीर्ष पर वो और उनके नायब मनीष सिसोदिया भर रह गए। ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी केजरीवाल ने खुद तोड़ दी। नतीजा, नीचे उतरने का कोई जरिया न रहा और अर्श से फर्श पर केजरीवाल आ गिरे।
ब्रांड इमेज नेगेटिव हो गई। हमला कर भागने वाली और अपने वादों पर ना टिकने वाली छवि के साथ अहंकार और अति महत्वाकांक्षा उन्हें ले डूबी। ऐसे में ईवीएम को दोषी ठहराना खुद को धोखा देने के बराबर है। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईट से ईट बजा देने के केजरीवाल के बयान में उनका झूठा दंभ नजर आता है। सड़क पर उतरकर आंदोलन की धमकी देना धोखा है, क्योंकि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए आंदोलन उनकी मजबूरी बन गई है। हालांकि राजनीतिक रूप से केजरीवाल सयाने साबित हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई और जन लोकपाल के मुद्दे पर उसे ही ढेर कर दिया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता बहुत प्रभावित थी। केजरीवाल अपना विरोध करने वाले के घर तक चले जाया करते थे। सीएम बनने के बाद छोटी गाड़ी से चलने का अंदाज लोगों को कुछ अलग लगा। केजरीवाल ने शुरू में मुख्यमंत्री का बंगला लेने से इनकार कर जनता की श्रद्धा और बढ़ा दी। सुबह पत्नी के साथ सड़क पर आम आदमी की तरह सैर और लोगों से बातचीत की मिसाल भी अच्छी लगी। शीला सरकार के मुकाबले केजरीवाल जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं की सुनवाई करते थे। उन्होंने मुफ्त पानी देने और रियायती बिजली देने का वादा भी पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये कि उन दिनों बिजली कंपनियों के आतंक को खत्म करना गरीब आवाम को खासा पसंद आया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री होते हुए राजपथ पर धरना तक दे डाला। ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। संसद और सांसदों के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के साथ खुद को अराजकतावादी कहना करप्शन से नाराज दिल्ली के युवाओं के दिल को छूने वाला था। लेकिन पुलिस से संघर्ष के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे जिद्दीपन और हठधर्मिता करार दिया। अब ब्रांड केजरीवाल एक अधिनायक की तरह उभरने लगे। मीडिया उनका मेंटोर बन गया। टीवी चैनल ठीक उसी तरह प्रमोट करने में लग गए जैसे आज योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हर बात को दिखाया जाता है। कांग्रेस का बदनुमा दाग छुड़ाने के लिए लोकपाल के बहाने इस्तीफा देने का फैसला अकेले ही कर लिया। जनता ने भगोड़ा कहा तो होश आया, घूम घूम कर गलतियों के लिए माफी मांगी और विशाल बहुमत के साथ दिल्ली सरकार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पार्टी में शुद्धिकरण अभियान शुरू हुआ। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार वगैरह वगैरह का सिविल सोसाइटी की अपनी सरकार से बयावह मोहभंग हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग की पार्टी कही जाने वाली आम आदमी पार्टी से चुन चुन कर बुद्धिजीवियों को बोल्शेविक क्रांति के अंदाज में निकाला गया। ये लगभग वैसा ही था जैसे कांग्रेस से पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को बेदखल करने के लिए अपमानित किया गया था। अरविंद केजरीवाल अब बड़े खिलाड़ी बन चुके थे, अब वो दूसरे राज्यों में पर फैलाने लगे। वो कांग्रेस की जगह भरने की तैयारी में लग गए। पंजाब और गोवा में पार्टी ने बड़ी तैयारी से उम्मीदवार उतारे, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक रूप से खेत रहे। पार्टी की ऊंची उड़ान नाकाम रही और जमीन पर आ गिरी। वही केजरीवाल को दिल्ली वालों पर अपना जादू बरकरार रहने की बदगुमानी थी। एमसीडी चुनाव ने उन्हें बता दिया कि मार्केटिंग और पैकेजिंग के सहारे सियासत के बाजार में लहरें भले ही पैदा की जा सकती हैं, लेकिन थाह नहीं ली जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा सदमा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को लगा, जो साफ सुथरी राजनीति और बदलाव की उम्मीद केजरीवाल से पाले हुए था। लेकिन केजरीवाल भी अधिनायकवादी राजनीति से उबर नहीं सके और अपनी ही गलतियों के शिकार हो गए। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। और दिल्ली के चुनाव से अब आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी के उस लक्ष्य की करते हैं जिसको लेकर अमित शाह निकल पड़े हैं। बीजेपी एक और जहां पंचायत और निकायों से लेकर बड़े स्तर तक के चुनाव जीत रही है, तो वहीं पार्टी की तैयारी अभी से 2019 को लेकर भी शुरू हो गई है। 2019 में बीजेपी की कोशिश 2014 जैसा करिश्मा दोहराने की है, या कहें इस करिश्मे से भी बड़ा करिश्मा कर दिखाने की है। और इसी रणनीति पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह काम करना शुरू कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के मजबूत गढ़
पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमजोर है, हालांकि उसकी पैठ लगातार वहां भी बढ़ रही है, लेकिन अब भी उसकी ताकत कम है। बीजेपी की ताकत को बढ़ाने के मकसद से अमित शाह इन दिनों इस राज्य के दौरे पर हैं और कल ही उन्होंने नक्सलबाड़ी से अपना यह अभियान शुरू किया था। मिशन 2019 के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से तंग आ गई है। ममता बनर्जी पर वार करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का कीचड़ फैला है। कि भ्रष्टाचार का कीचड़ कितना भी फैला दीजिए, अत्याचार का कीचड़ कितना भी फैला दीजिए, हिंसा का कीचड़ कितना भी फैला दीजिए, कीचड़ जितना फैलाएंगे कमल और अच्छी तरह से फूलेगी। अमित शाह ने कहा कि जो बंगाल कभी उद्योगों और कल कारखानों के लिए जाना जाता था, आज उसकी पहचान बम बनाने के कारखाने के तौर पर होती है। एक जमाना था जब बंगाल उद्योग से लैस था, कल कारखानों से लैस था। आज बंगाल सब प्रकार के कारखाने बंद हो रहे हैं, सिर्फ बम बनाने के कारखाने बंगाल में चालू हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोशिश उन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की है जिन राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। पार्टी को मालूम है कि जीती हुई कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते हार हो सकती है। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर पार्टी फोकस कर रही है। इसी के मद्देनजर अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजय पर निकला बीजेपी के अश्वमेध घोड़े को रोकने की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अब मोर्चा संभाला है। समझा ये जा रहा है कि विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव को शक्ति प्रदर्शन का मौका बनाना चाहता है, लेकिन कुछ नेताओं ने धीरे चलने की सलाह इसमें भी दी है। विदेश से चेकअप के बाद सोनिया गांधी के भारत लौटते ही विपक्ष की सेहत में सुधार नजर आने लगा है। राहुल से नाउम्मीदी में मुरझा सा गया था 24 अक्टूबर को, लेकिन 10 जनपद अब फिर से गुलजार होने लगा है। दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव भी सोनिया से मिलने पहुंचे। चाय की चुस्कियों के बीच देश के सियासी हालात पर बात हुई, कश्मीर सुकमा पर चिंता जताई गई, फिर राष्ट्रपति चुनाव की बात आई। शरद यादव ने सोनिया गांधी को जल्दबाजी न करने की सलाह दी, कहा पत्ते खोलने के बजाय फेंटते रहने में भलाई है। बीजेपी को मुद्दों पर घेरने की नसीहत सबको पसंद भी आई। इससे पहले नीतीश कुमार भी सोनिया का हालचाल जानने आए थे यहाँ, वो भी काम की बात ही बताकर गए हैं। कहा है कि मोदी को नहीं, मुद्दों को मुद्दा बनाइए। सबको याद आया कि नीतीश ने नोटबंदी को सहारा था, वहीं धर्मनिरपेक्षता को बहुत हवा नहीं थी। राहुल गांधी को मार्क्सवादी नजरिए से जीएसटी समझाने वाले कॉमरेड सीताराम येचुरी भी पहुंचे थे 10 जनपद। उनकी राज्यसभा सीट खतरे में है, कांग्रेस को उन्हें समर्थन देने में बहुत दिक्कत नहीं है, ऐरे गैरों को सीट देने से तो बेहतर है। सीपीआई के डी राजा भी आए थे चाय पर, नेशनल पॉलिटिक्स पर ओपिनियन दिया। सोनिया ने उनको भी याद किया जिन्होंने सोनिया को अध्यक्ष बनने के लिए गुहार तो लगाई थी, लेकिन पीएम बनने में लंगड़ी फंसाई थी। शरद पवार को टेलीफोन किया गया, पवार का गणित भले ही समझ में ना आए, लेकिन नजरअंदाज करना बूते के बाहर है। सुनते हैं कि नीतीश और पवार समेत कई लोग राष्ट्रपति पद के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने की फिराक में हैं। नीतीश को शरद, राहुल और ममता के रहते पीएम बनने की उम्मीद कम है। उधर लालू की सोहबत में खासी घुटन है, बदले में बिहार बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में मिल सकता है। शरद पवार भी महाराष्ट्र में शिवसेना के बीजेपी से अलग होने की सूरत में यही आस लगाए बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने मराठा छत्रप पर भरोसा करने के बजाय शिवसेना को मनाने में ही भलाई समझी। हालांकि लालू और ममता यहां पहुंचने वाले हैं, ममता को बंगाल में भगवा लहर का असर दिखने लगा है, तो लालू को नीतीश का डर नजर आ रहा है। यही वजह है कि शरद यादव कह रहे हैं जरा हौले हौले चलिए, बड़े धोखे हैं इस राह में। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन।
जी हाँ, राजनीति की राह ऐसी होती है जहाँ यदि कुछ ज्यादा ही तेजी पकड़ लिया जाए तो पता नहीं कब आप ठोकर खाकर गिर पड़े। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बेहतर इस बात को कौन समझता होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने योगी सरकार का घेराव किया है और काफी लंबे समय की चुप्पी के बाद हार से जो उन्हें सदमा लगा है उससे निकलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव दिखे हैं। अखिलेश यादव ने सहारनपुर हिंसा पर सरकार से कई सवाल किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो तस्वीर बेहद खतरनाक है और डराने वाली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को पहली चुनौती दी। सहारनपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने आक्रामक तेवर अपनाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगता था। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, हर थाने में गुंडे हैं। लेकिन अब योगी राज में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी शिकायत तक दर्ज करा सके। उत्तर प्रदेश की जनता को कहा क्या था आपने और सत्ता में कर क्या रहे हैं आप? ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर 5 साल सरकार चली है हमारी और अगर कोई घटना हो गई होगी तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटना को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जितने कदम उठाए गए उससे ज्यादा करना योगी सरकार के वश में नहीं है। कानून व्यवस्था के सवाल पर जो व्यवस्था समाजवादी लोगों ने बनाई थी 100 नंबर से लेकर के और शायद उससे कोई बेहतर सुविधा नहीं थी, तो हम तो कहते हैं सरकार को कि इससे बेहतर क्या सुविधा लाओगे? हमारा गुंडा राज था, जंगल राज था। आज तो लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि सहारनपुर की घटना पर वो अपने विधायकों और सांसदों पर कब कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर की घटना को अखिलेश ने बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहली बार हुआ जब सत्ताधारी दल के नेताओं ने किसी पुलिस अधिकारी के घर पर हमला किया। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन लखनऊ। वैसे अखिलेश यादव को मैं जब भी देखती हूँ कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें जरूर याद आती हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भी शुरुआती दौर में उनका मीडिया से बहुत लड़ाई रहती थी और अक्सर वो किसी न किसी पत्रकार को दोषी ठहरा देते थे उनसे कड़े सवाल पूछने के लिए। ये उम्मीद की जा रही थी कि 5 सालों में वो इतने मच्योर हो जाएंगे कि उसके बाद वो मीडिया को हैंडल करना भी सीख जाएंगे, लेकिन इस हार के बाद भी अक्सर वो मीडिया से भिड़ जा रहे हैं और बार बार पत्रकारों से सवाल पूछते हैं कि आखिर आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ है कि आप जिस तरह से मेरी सरकार की रिपोर्टिंग करते थे वैसी ही रिपोर्टिंग करके दिखा सकें। अखिलेश यादव को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मीडिया अक्सर या ज़्यादातर वक्त निष्पक्ष ही होती है और कोई भी सरकार जब भी कोई भी गलत काम करती है तो उसे दिखाना भी अपनी जिम्मेदारी समझती है। कम से कम आपका विश्वसनीय चैनल हमेशा यही करता है और एपीएन का इसीलिए टैगलाइन भी है, खबर है तो दिखेगी। कोई भी सरकार कुछ अच्छा करेगी तो उसे सराहना भी मिलेगी और कुछ बुरा करेगी तो उसकी आलोचना भी होगी और ये हम काम आगे भी करते रहेंगे ताकि अखिलेश यादव जैसे कोई भी नेता ये न कह सकें कि मीडिया में हिम्मत नहीं कि वो गलत बात को गलत और सही बात को सही कह सके। चलिए इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और नेशनल टॉप 5 खबरें देखते हैं। पांच दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत की। वार्ता के बाद आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के सुझाव को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की योजना नहीं है। मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय पर टैक्स लगाने की बात कही थी।
सुकमा के शहीदों के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ियों को सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोक दिया गया। शहीदों का पार्थिव शरीर कल शाम 7 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचा था। संयोग से इसी वक्त सीएम का काफिला भी बिल्डिंग से बाहर निकला। सीएम के काफिले के लिए शहीदों को ले जा रहे ट्रक को कुछ मिनट के लिए रोक देना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई। वाहनों की चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को न सिर्फ गालियां दी बल्कि उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आज सुबह ट्रेनी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 2 ट्रेनी पायलटों की मौत हो गई जिनमें एक महिला पायलट भी है। ये प्लेन एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की थी। सुबह 10 बजे प्लेन हाई टेंशन तार से टकरा गया। इस प्लेन ने सुबह 9:05 पर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बिसरी हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। एआईएडीएमके नेता और शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एआईएडीमके के चुनाव चिन्ह 2 पत्ती को पाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को तथाकथित रूप से घूस देने की कोशिश के आरोप में उन्हें दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने दिनाकरन के निजी सचिव जनार्दन को भी सरकारी गवाह बना लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन की गिरफ्तारी हुई है। घूस देने की कोशिश के आरोप में दिनाकरन के अलावा उनके करीबी मल्लिकार्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में क्राइम ब्रांच की एक टीम दिनाकरन, मल्लिकार्जुन और सुकेश चंद्रशेखर से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को 30,000 की विशेष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की पुलिस कस्टडी 3 दिन बढ़ा दी थी। सुकेश वही शख्स हैं जो दिनाकरन और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच घूस की डीलिंग में बिचौलिए का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन के खिलाफ 17 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। शशिकला कुट ने RK नगर असेंबली सीट पर उपचुनाव के लिए 2 पत्ती चुनाव चिन्ह मांगा था। पनीर सेल्वम गुट ने भी इसके लिए दावा किया था, इसलिए चुनाव आयोग ने इसे जब्त कर लिया था। दिल्ली पुलिस के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक बिचौलिए सुकेश ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके पास से पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए के साथ साथ 2 कार भी बरामद हुई थी। बिचौलिए को रविवार को दिल्ली के एक 5-स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया था। दिनाकरन के पूरे मामले में फंसने के बाद शशिकला गुट की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ती दिख रही है और पनीर सेल्वम के समर्थक हावी हो गए हैं। पार्टी दफ्तर से जेल की हवा काट रही पार्टी जनरल सेक्रेटरी शशिकला के पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं। We are happy that some of the steps that they've taken, we are very happy with, especially removing the posters of Shashikala. We are very happy. Regarding the negotiations per se, there is no specific decision taken. सूत्रों की माने तो AIADMK के दोनों धड़े फिर साथ आ सकते हैं और पनीर सेल्वम एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर देश के बेटे और नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। एक ओर जहां भारत सरकार राजनयिक और अन्य जरियों से जाधव की सुरक्षित रिहाई का रास्ता खोज रही है, वहीं कुलभूषण जाधव की मां ने पाकिस्तान की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने लगातार 16वीं बार जाधव से मिलने की भारत की अपील को अनसुना कर दिया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए भारत की अपील को लगातार 16वीं बार ठुकरा दिया है। भारत के हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की विदेश सचिव के साथ मुलाकात में काउंसलर एक्सेस की अपील की थी। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को फांसी दिए जाने का विरोध किया था। उधर पाकिस्तानी सेना की कैद में फंसे कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। जाधव की मां ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के आर्मी एक्ट की धारा 133B के तहत अपील दायर की है। अपील में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को प्रतिवादी बनाया गया है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस याचिका की सुनवाई पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ अपील में होगी। कोर्ट ऑफ अपील में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष या फिर उनके चुने हुए नुमाइंदे शामिल होते हैं। ब्रिगेडियर या उससे ऊंचे रैंक का अफसर इस कोर्ट की अध्यक्षता करता है, लेकिन अपील पर सुनवाई पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ 60 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। भारत इसी प्रावधान के तहत जाधव को कानूनी मदद देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार ऐसा करने से इनकार कर रहा है।
हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद को भरोसा दिलाया था कि कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए भारत किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखकर लगता है कि सरकार के पास विकल्प सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को फर्जी मुकदमे में फंसाने के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बलात्कार के एक मामले में गायत्री प्रजापति को कल ही जमानत मिली थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां मंगलवार को लखनऊ की पास्को कोर्ट ने उन्हें गैंग रेप मामले में जमानत दी थी, तो दूसरी तरफ एक बार फिर पुलिस को उनकी रिमांड की इजाजत मिल गई है। तीन अन्य मामलों में गायत्री प्रजापति को न्यायिक हिरासत में लेने की पुलिस को इजाजत मिल गई। ऐसे में जेल से छूटते ही गायत्री प्रजापति को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया और उन्हें जेल भेज दिया। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर और गौतमपल्ली में दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को रिमांड में लेने की इजाजत दी थी। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ फर्जी रेप केस में फंसाने के मामले में 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ उनके पति को फर्जी गैंगरेप मामले में फंसाने के मामले में 2015 में मामला दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से साफ हो गया है कि अगर उत्तरी कोरिया किसी भी तरह का हमला करता है तो अमेरिका उसका जवाब देने को तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबमरीन भी वहां पर भेज दिया है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि अब जो विश्व का संतुलन है उसको बहुत ध्यान से तमाम बड़े देश देख रहे हैं। उत्तर कोरिया को लेकर कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में थार्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती प्रक्रिया को तेज किया है। खबरों के मुताबिक पहले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति को थार्ट की तैनाती के बारे में अंतिम फैसला लेना था, लेकिन राष्ट्रहित के इस मुद्दे को अब और न टालने का फैसला किया गया है क्योंकि जंग की स्थिति में दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया का पहला निशाना बन सकता है। दक्षिण कोरिया में थार्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती से चीन सतर्क हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती का असर चीन की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, इसलिए वो इसकी तैनाती न किए जाने की अपील करता है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के बीच में रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आया है। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन के रवैये की जमकर तारीफ की है। अमेरिका और इसके सहयोगी दक्षिण कोरिया का कहना है कि थार्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मकसद परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया से पैदा होने वाले मिसाइल खतरों से रक्षा करना है। दोनों देशों ने इस तैनाती पर पिछले साल सहमति जताई थी। चीन भी अमेरिका हित के मुताबिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी कोशिश उत्तर कोरिया को परमाणु बम और मिसाइल परीक्षण से रोकने की है। थार्ट मिसाइल जबरदस्त क्षमता से लैस है। दुश्मन की कोई मिसाइल इसके आसपास से गुजरती है तो सिस्टम खुद सक्रिय हो जाता है और ये मिसाइल को नष्ट कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। अब एक अच्छी खबर आपको दे दें। मौजूदा कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को देश के शेयर बाजारों पर विदेशी बाजारों का दबदबा देखा गया, जहां सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 30,000 का स्तर पार किया तो दिन भर इस स्तर के पार ही बना रहा। वहीं निफ्टी ने भी ऐतिहासिक ऊंचाई छुई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया भी अगस्त 2015 के बाद सबसे मजबूत स्थिति में देखा गया है। भारतीय शेयर बाजार में कल से आया उछाल बुधवार को भी जारी रहा। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों के चलते सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बीएसई सूचकांक के 30 शेयरों की बढ़त से ये 30,133 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने पिछले मार्च 2015 के अपने उच्च स्तर 30,024 को भी पीछे छोड़ दिया। सेंसेक्स में मजबूती की वजह 63.93 के साथ रुपए का मजबूत होना, कंपनियों की शुद्ध आय, बाजार में FII का बढ़ता प्रभाव रही। रुपया ने भी पिछले 20 महीनों के सर्वोच्च स्तर या 10 अगस्त 2015 के बाद डॉलर के मुकाबले 64 का आंकड़ा छू लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 32.35 अंकों की बढ़त के साथ 9,352 अंकों पर बंद हुआ। मजबूती की मुख्य वजह बैंक, फाइनेंस,
FMCG और टेक्नोलॉजी शेयरों का शानदार प्रदर्शन है। शुरुआती कारोबार में HDFC, ITC, TCS, ICICI बैंक, M&M, SBI और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर जबरदस्त उछाल पर रहे। एक्सिस बैंक के शेयर ने बाद में 1% तक की मजबूती प्राप्त कर ली, जबकि विप्रो ने संभावना से ज्यादा दमदार तिमाही नतीजों की बदौलत 2% की बढ़त बना ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स सुधारों की संभावना और शानदार परिणामों की घोषणाओं के बीच अमेरिकी शेयर मार्केट में भी बढ़त देखी गई। इसका सकारात्मक असर एशियाई शेयर बाजारों के संवेदी सूचकांकों पर भी पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और देश के बाद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे आज के इतिहास की। अप्रैल 1828 में रूस ने ग्रीस की आजादी के लिए तुर्की से युद्ध की घोषणा की थी और 26 अप्रैल 1841 में बॉम्बे गैजेट अखबार पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया था। 26 अप्रैल 1920 में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का चेन्नई में निधन हुआ था और 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में विधेयक पारित हुआ। ये विधेयक 16 मई से प्रभाव में आया था। 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ। उस वक्त का चेर्नोबिल, जो अब यूक्रेन में है, सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। और आज मशहूर संगीत निर्देशक जोड़ी शंकर जयकिशन में से शंकर की पुण्यतिथि है। शंकर यानी शंकर सिंह रघुवंशी का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही शंकर को संगीत का शौक था और तबला बजाने में रुचि भी थी। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा बाबा नासिर खान साहब से ली उन्होंने, फिर हुसनलाल भगत राम से भी बारीकियां उन्होंने सीखी। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिल्म बरसात से बॉलीवुड में शुरुआत की। फिल्म और उसका संगीत कामयाब होने पर ये जोड़ी भी हिट हो गई। जिया बेकरार है और हमसे मिले तुम सजन सुपरहिट गीत रहे थे। पृथ्वी थिएटर से शुरुआत करने वाले शंकर और जय शंकर की जोड़ी को 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। गीतकार शैलेंद्र हसरत जयपुरी के साथ शंकर जयकिशन की जोड़ी ने अनगिनत यादगार गीत दिए थे और एक वक्त तो ऐसा था कि RK बैनर्स पे बनी हुई तमाम फिल्मों के लिए केवल शंकर जयकिशन ही संगीत दिया करते थे। शंकर के कुछ खूबसूरत संगीत की धुनों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।